देखिए फ्रेंड्स, आज मैंने बहुत ही टेस्टी ठंडा ठंडा सौंफ का शरबत बनाया है। ये बहुत जल्दी बन जाता है और पीने में बहुत ही टेस्टी लगता है। साथ ही साथ मैं आपको इसका पाउडर भी बनाना बताऊंगी, जिससे जिसको आप 2 से 3 मिनट तक स्टोर करके रख सकती हैं। और जब भी आपका ठंडा ठंडा शरबत पीने का मन करे तो 2-2 चम्मच डाल के घोल के तुरंत आप इसको पी सकती हैं। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रेसिपी बताने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी रेसिपी को लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए हम सबसे पहले एक मिक्सी का जार लेंगे और ये मैंने यहाँ पर ये 50 ग्राम सौंफ ली है, ये डाल देते हैं। थोड़ी सी मैंने यहाँ पर ये काली मिर्च ली है साबुत, ये डाल देते हैं। और 35 से 40 मैंने यहाँ पर ये इलायची ली है, ये डाल देते हैं। थोड़ा सा मैंने यहाँ पर ये खसखस लिया है, ये डाल देते हैं। और 250 ग्राम के करीब मैंने यहाँ पर ये चीनी ली है, ये इसमें डाल देते हैं। और जार का ढक्कन बंद करके इन सभी चीज़ों को अच्छे से हम पीस लेते हैं। और ये मैंने सारी चीज़ों को अच्छे से पीस के इसका पाउडर बना लिया है। और अब हम इसको छान लेते हैं। तो उसके लिए हम एक बर्तन में एक छलनी रखेंगे और इसमें हम ये पाउडर डालेंगे, उसको हम थोड़ा थोड़ा करके छान लेते हैं। और ये मैंने इसको अच्छे से छान लिया है। और इसमें जो मोटे मोटे दाने दिख रहे हैं सौंफ के, उसको हम एक बर्तन में निकाल लेते हैं अलग। इसको भी हम दोबारा से पीस लेंगे और इसी तरह से हम बाकी का बचा हुआ पाउडर भी इसमें डाल लेते हैं। और इसको भी छान लेते हैं। और ये मैंने सारे सौंफ को अच्छे से छान लिया है। और अब हम इसको जो मोटा मोटा इसका पार्ट है उसको हम इस ग्राइंडर जार में डाल देते हैं। और इसको भी हम एक बार अच्छे से फिर से पीस लेते हैं। और ये मैंने इसको भी पीस लिया है, इसको भी हम अच्छे से छान लेते हैं। और ये हमारा सौंफ का पाउडर बन के तैयार है। और अब हम शरबत बनाएंगे। तो उसके लिए हम 2 गिलास लेंगे और इनमें हम 2-2 चम्मच पाउडर डालेंगे। पाउडर आप अपने हिसाब से थोड़ा सा कम या ज़्यादा भी डाल सकती हैं। और इनमें हम पानी डालेंगे। और चम्मच से अच्छे से मिक्स करेंगे। और इनमें हम 2-2 आइस क्यूब्स डालेंगे। और ये हमारा ठंडा ठंडा शरबत बनके तैयार है। आपने देखा इसको बनाना कितना ईजी है, सिर्फ 2 से 3 मिनट में बनके तैयार हो जाता है। और जो मैंने ये पाउडर बनाया है इसको आप किसी भी एयरटाइट कंटेनर में भर के 2 से 3 महीने तक यूज कर सकती हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है। और जब भी आपका कुछ ठंडा ठंडा पीने का मन कर रहा है, जब भी आप 2-2 चम्मच पाउडर डाल के ठंडा ठंडा पानी डाल के आप इसको एंजॉय कर सकती हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो मेरी रेसिपी को लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। फिर मिलेंगे अगली रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय।